हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। मस्त सुबह हो गई है और आज धूप नहीं आई है, बादल बादल छा गए हैं, आकाश में थोड़े बहुत बादल है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं डाइट चार्ट जो मेरा है ना वो फॉलो करने वाली हूँ। आई होप भगवान जल्दी मुझे ठीक कर दे, तो मैं कंटिन्यू एक वीक करना है जो डाइट चार्ट फॉलो वो मैं कर पाऊँ। तो मैं आ गई किचन में और मम्मी से मिल लेते हैं। मम्मी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। और मम्मी ने अपना काम भी शुरू कर दिया। यहाँ पे नाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता कर लिया। पापा हमारा ये वाड़ी है क्या लगे के बैठ गया, खबर नहीं गाड़ी। ओके, तो वो पाएंगे तो उसको मिल लेंगे। उषा पूजा कर रहा है, उसको भी हम बाद में मिल लेंगे। और हाँ, आज पहला दिन है मेरे डाइट में, तो आज पूरा दिन फ्रूट ही खाना है। फ्रूट में वो शक्कर कैटी और तरबूज, दो फ्रूट ही खा सकती हूँ मैं। चीकू, केरी, केड़ा या कुछ भी नहीं खा सकती हूँ, तो इसलिए मैं कल फ्रूट लेकर आई थी। तब कैटी है, सारी नहीं खाने वाली हूँ, सबके लिए लाई हूँ मैं। और तरबूज भी है, तो अभी तो मैं टेटी खाने वाली हूँ। और दोपहर में जब भूख लगी तब तरबूज खाएंगे। उस तरह से पूरा दिन मुझे निकालना है। और कल का दिन वापस कल ही बताओ निकल क्या पूरा दिन खाना है। तो आज का दिन सिर्फ फ्रूट ही खाना है, तो चलो मैं पहले तरबूज खा लेती हूँ। तो चलो, तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए टेटी सुधार कर रेडी कर लिए डिश मेरी, तो अभी मैं यही खाने वाली हूँ। और यहाँ पे मम्मी पापा भी बना रहे हैं विशाल के लिए। हाँ, और यहाँ पे विशाल बैठ गए। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग। गर्म है और भाखरी की वेट में विशाल भी है मेरे। आज या और आज पूरा दिन क्या काम करने वाले हो? क्या आज भी घूमने जाने वाले हो? ओके, तो चले फिर। मैंने फ्रूट खा लिया है, तो अब तो कुछ दोपहर तक कुछ खाना नहीं है। हाँ, खाना है 10 बजे भूख लगी तो वापस फ्रूट ही खाना है और कुछ नहीं खाना है। और मैं आगे रूम में काम करने के लिए, यहाँ पे तो सब लोग सो रहे थे, तो ये पथारी सबकी संकेलनी है, तो मैं काम शुरू कर देती हूँ। और मम्मी चौकड़ी में गए हैं कपड़ा धोने के लिए और मैं मेरा काम कंटिन्यू करती हूँ। पापा बाहर गए थे तो आ गए हैं। यहाँ पे भाखरी के साथ माखन कितना सारा लगाया है और नया अचार है और चाय है। पापा जय स्वामीनारायण। વરસાદ ની હવે પડી ગઈ નક્કી નો કઈ આવે બહુ ગરમી હો રહી હૈ, પસીના પસીના હો જાતે, બાર બાર લૂછના પડતા હૈ, બાર બાર फेस वॉश करना पड़ता है। और अब मैंने तो झाड़ू निकाल लिया है, तो पोता लगाना सिर्फ बाकी है। तो चलो फटाफट पोता लगा लेते और मम्मी से मिल लेते, क्योंकि मम्मी चौकड़ में बैठ गए बहुत सारे कपड़े लेकर आज। क्योंकि कल हमने चादर निकाली थी नई वॉश करने, मैंने बोला मशीन में डाल दे, तो वो बोला कि नहीं हाथ से ही धोना है। मम्मी जय स्वामीनारायण। धोए गए कपड़े हमने बताए बाकी से चादर मशीन में ना गए कपड़ा छः। ओके, तो चलिए ऐसी बात है, क्योंकि मशीन में अमुक कपड़े मशीन में अच्छे से वॉश नहीं होता, इसलिए हाथ से ही धोना पड़ता है। तो इसलिए मम्मी हाथ से धो रहे हैं थोड़े कपड़े, तो फटाफट में पता लगाना शुरू कर देती हूँ और बाद में फ्री हो तो थोड़ा बहुत हेल्प कराने के लिए मैं जा सकूँ। तो चलो, पता लगा लिया है, तो घर मैंने एकदम मस्त क्लीन कर दिया है, आप सब देख सकते हो पता लग गया है। और यहाँ पे मम्मी ने खाटली भर के कपड़ा रेडी कर लिया है, तो मैं फ्री हो गई हूँ। तो चलो फटाफट से कपड़ा सुखा लेती हूँ। और तो चले फ्रेंड, हमारे घर पे बिन बुलाए मेहमान आ गए, तो सबको मिला देती हूँ। कौन है हमारे सबकी चेहता? हेलो, कैसे हो? बस एकदम फर्स्ट क्लास। आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक नहीं है फिलहाल, तो थोड़ा अभी भी ऐसा हो गया। दवा नहीं ली थी आपने कल रात को? नहीं, दवा नहीं, सर्दी जैसा हो गया है। फ्रूट बहुत खाती है ना? हाँ, फ्रूट बहुत खाती है। एम नहीं,
सब देखते हैं, मैं अकेले फ्रूट नहीं खाती, सब लोग फ्रूट खाते, मैं अकेले नहीं खाती हूँ। सुबह मत खाती है, पूरा दिन फ्रूट खाती है। झूठ मत बोलो, आज से मैंने डाइट फॉलो कर रही हूँ तो आज से मैं फ्रूट खाने वाली हूँ। घर पे इतना सारा फ्रूट नहीं होता तो मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ। मम्मी का सिर्फ बहाना है, कल तो ढेर सारा फ्रूट लेके आए हैं अभी दीदी घर पर, और बोल रहे थे कि मम्मी को बहुत अंदर से मन हो रहा है फ्रूट खाने का, तो मम्मी को रात को कॉल किया था। अभी वो अभी वो एक ही केरी खाई है। अभी पूछो उसको कितनी केरी खाई है। दो केरी तो खा गए हैं पापा। મેં કે ના પાડીએ, તમે લઈ જાઓ હાલો વાડીએ, જોઈ એમને હાલો વાડીએ લઈને જાઓ, જોઈ કોણ થી કામ નો થાય। પણ તમે બાબા હું ઘી ને ગોળ ખાધેલું ને તમારા જુવાની માટલે, અને અમે તો અત્યારે હું બધું પીઝા ખાધેલા, અત્યારે અમે શરીર વાળા ભાવે નહીં અત્યારે, હવે હા એ વાંધો આવે, ચટપટું બહુ ભાવે અત્યારે, હવે પાણી પૂરી ખાવા છે। હા तो थोड़ा काम था तो इसलिए पहले यहाँ पे आ गए सवेरे सवेरे। सरप्राइज दे दी सबको, सबको सरप्राइज दे दी तूने तो। हाँ मैंने इसको भी नहीं बताया। हाँ और डायरेक्ट 8:45 बजे मैंने सारे पड़े ओपन किए। हाँ तो फिर मम्मी के साथ बात हुई तो मम्मी ने बोला कि दोपहर को देके जाना, दोपहर को बहुत धूप होती है। हाँ ऐसे सब भाग दौड़ करके सर दर्द होने लगता है। या राइट, तो इसलिए मैंने बोला कि सुबह सुबह दे दूँ तो काम टेंशन। ओके तो इसलिए मैडम आ गए हैं। अभी तो ऑफिस जाओगे ना तुम? ऑफिस हां, एज इट इज रूटीन मेरा कंटिन्यू हो गया है। या अभी थोड़े ही दिन है। या बाद में तो देखेंगे नहीं क्या होता है। या चलिए बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे बगल में एक बगीचा है, तो मंदिर से फ़ोन आया था कि वहाँ से फूल लेकर मंदिर पे देना है, तो मैं और मेरे बाबू है ना दोनों आ गए फूल उतारने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना मस्त बगीचा है, और थोड़े बहुत ही फूल है, और मोगरा के फूल ज़्यादा है, मोगरा के झीणे होते हैं इसलिए देर लगती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे मोगरा के फूल है, इसमें से लेना है, तो फटाफट से मैं और बाबू दोनों आए हैं तो लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे यहाँ तक लगी है तो वहाँ तक उतारना है, तो फटाफट फोन साइड में रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने और बाबू ने मिलकर मोगरे के फूल उतार लिए, तो देखिए मैं कितनी सारी कड़ियाँ है अभी भी यहाँ पे मेरे हाथ में है और बाबू के हाथ में, और ये भैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इधर पे ये बगीचा है तो देखिए कितना बड़ा, ये आम के पौधे हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे गुलाब के पौधे हैं, और यहाँ पे कुछ फ्लावर है मोगरे जैसे दिख रहा है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है। तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ, इसमें भी वाइट फूल है मोगरे के जैसे ही, तो वो भी हमें निकालना है। फूल उतार कर आ गई हूँ, और मम्मी का मैंने कीर्तन भी ले लिया है, और मम्मी आ गए किचन में, तो उसके पीछे पीछे मैं भी आ गई किचन में। तो देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं। ओ जो पायल आई थी ना पड़ा देने के लिए, तो पड़ा भी कर रहे हैं, इसमें साकर है, यहाँ पे साकर और काजू बादाम द्राक्ष और खारे सब कुछ है पड़ा में, थोड़ा सुकन ओके। तो आज खाने में क्या बनाने वाले हम? पिंडा का शाक बनाऊं से, पिंडा की सब्जी, पिंडे की सब्जी बनने वाली है यहाँ पे। और मुझे दोपहर में कुछ खाना है नहीं, सिर्फ रोटी खाना है, तो मैं तरबूज खा लूँगी जब ज़्यादा भूख लगी तब। मैं 10 बजे मैंने कुछ नहीं खाया है, डायरेक्ट दोपहर ही खाऊंगी मैं। तो चलिए दोपहर मेरी डिश दिखाऊंगी आपको, तो चलिए। और सबके लिए पिंडा की सब्जी, उसके साथ क्या बनाना है, रोटी या रोटला? हमारे घर वैसे होता है, जो जिसको जो खाना होता है वो एकदम बनाएंगे। मैं आ गई हूँ, तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मम्मी बोल लौकी की सब्जी बनानी है, लौकी और चने की दाल की, तो पिंडे की कैंसिल हुई है तो लौकी की सब्जी बनाएंगे, और साथ में बनाकर रोटला। 11 बज गए हैं तो मैं आ गई हूँ किचन में, इसलिए तो फटाफट से मैं सब्जी कटिंग कर लेती हूँ और बाद में वगार करूँगी, और मम्मी बनाएंगे बाजार का रोटला। तो यहाँ पे मम्मी पापा का थाल रेडी कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जी पक गई है तो वह निकलने बाकी है, और यहाँ पे मेरी डिश रेडी है तरबूज की, और दोपहर में वही खाने वाली हूँ। और यह पानी मैंने रख दिया उबालने के लिए, उसमें एक इसका टुकड़ा ना डाला है मैंने तज का, तो वो भी पूरा दिन तज वाला पानी पीना है, तो थर जाए उसके बाद पीना है, पूरा दिन तज वाला पानी पीना है। यहाँ सवेर में भूल गई थी मॉर्निंग में, तो अभी मैंने मुझे गया तो मैंने रख दिया। और फ्रूट आप दिन में 5 बार खा सकते हो, सवेरे 10 बजे और दोपहर
और दोपहर के बाद और शाम पांच टाइम आप फ्रूट खा सकते हो, और फ्रूट ही सिर्फ खाना है और कुछ नहीं खाना है। तो मेरा डाइट इस तरह का है, तो जिसको भी फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं, मगर पहले मैं फॉलो करूँ उसके बाद आप फॉलो करना कि मुझे कितना वेट लॉस होता है, क्या रिजल्ट मुझे मिलता है, उसके बाद आप जिसको भी डाइट फॉलो करना है वो कर सकते हैं। तो मेरा रोज का रूटीन मैं आपको दिखाते जाऊंगी किस तरह से मैं डाइट फॉलो करने वाली हूँ। तो यहाँ इतना पानी उबालना है कच्च का टुकड़ा डालकर, तो पानी उबल गया है तो सगड़ी बंद कर देती हूँ मैं, और थर जाने के बाद पूरा दिन वही पानी पीने वाली हूँ। और मैंने तरबूज खा लिया है तो थोड़ा एनर्जी आ गई है, मुझे अभी सब लोग खाने के लिए बैठ गए, पापा भी आ रहे हैं, विशाल भी आ रहे हैं, मम्मी आप लोग बाजा का रोटला और लौकी की सब्जी के साथ खाओ, एंजॉय करो, अभी पापा भी आ रहे हैं खाने के लिए, तो चलो ये सब लोग खा लेंगे। और मैंने तो खा लिया है तो मैं निकल जाता हूँ किचन के बाहर, और दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। हो रहा मैं 5:30 बजे जाऊँगी मंदिर पे, तो आज घनश्याम उत्सव है तो मस्त कार्यक्रम होगा मंदिर पे, तो भी आपको दर्शन कराऊंगी। तो चलिए मिलते हैं दोपहर के बाद। तो चलिए फिर मैं रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए, और मम्मी चले गए, मम्मी गए थे 2:30 बजे, तो बहुत धूप थी तो मेरा वीडियो एडिट करना भी बाकी था तो मैं घर पे ही थी। घनश्याम जन्म उत्सव है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर पे, 2 घंटे मंदिर पे रुकने वाली हूँ, 4 से 5, 5 से 6 बजे, 6 बजे के बाद हम घर पे आएंगे। फाइनली यहाँ पे मैं और मम्मी मंदिर से वापस आ गए, और मम्मी तो बहुत अच्छी साड़ी पहन के गए थे। हाँ। भगवान जन्मोत्सव तो मजा आएगी नी मम्मी, तो
कीर्तन भक्ति गाता था बता, मजा वो मजा आएगी। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने सब कुछ शूट किया है इसलिए। तो फाइनली हम घर पे पहुंच गए और बहुत सारी गर्मी है और वहाँ मंदिर पे बहुत गर्मी हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए। तो चलिए आगे के जो होगा हम तो दिखाते जाऊंगी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो किचन में आ गए हैं और ऑलरेडी खाना बनाना शुरू कर दिया है मेरे और मम्मी ने मिलकर। और यहाँ पे मम्मी काफी काटा गूंद रहे है ना, काफी काटा है ना, ओके। और भी कटिंग कर ली है मैंने तो यहाँ में तेल रख दिया है। चलो मैं सब्जी का कर लेती हूँ और बाद में बाकी बनाएंगे। भगवान का थाल रेडी हो गया है तो मम्मी भगवान का थाल लेकर जा रहे भगवान को धरने के लिए। और यहाँ पे मैं तरबूज ले लिया है मैंने, मेरे लिए कटिंग करने वाली हूँ, इतना तो मैं खा जाऊँ क्योंकि बहुत भूख लग गई है इसलिए। तो चलिए हम सब लोग खा लेते हैं और वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।